Okay students, so today we will be learning a few basic multiplication tricks. So in competition exam where you do not have on-screen calculator, ये tricks आपको बहुत useful रहेंगी multiply जल्दी समझने के लिए, हैं? तो अपन start करते हैं. So when numbers are near 100, 200, 300, 400, तो उन सब numbers का multiplication हम जल्दी कैसे कर सकते हैं? जो 100, 200, 300 इनके पास में है. इसके लिए बेसिकली हमारे पास तीन ट्रिक्स हैं. सबसे पहला केस, जब दोनों नंबर जो हमें मल्टीप्लाई करने हैं वो बड़े हैं, 100, 200, 300 किसी से भी बड़े हैं, तो सबसे पहले एक सिंपल केस लेते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे 105 को मल्टीप्लाई करना है 108 से. सिंपल सा तरीका क्या है, आपको ये चेक करना है ये, क्योंकि दोनों नंबर किसके पास में है, 100 के पास में. पहले हम सारे वो क्वेश्चंस लेंगे जहां नंबर दोनों नंबर 100 के पास, दोनों नंबर 200 के पास, दोनों नंबर 300 के पास लाइक दैट, एंड लेटर वी विल स्विच टू एनी क्वेश्चन. ठीक है, सो सबसे पहले इफ बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 100, ये 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 5, तो आई विल राइट इट डाउन एज +5. ये 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 8, तो मैं लिखूंगा +8. ज्यादा है इसलिए +8. क्रॉस में ऐड करना, 105 में 8 जोड़ो या फिर 108 में 5 जोड़ो. सो 105 प्लस 8 इट इज 130, 108 प्लस 5 दैट इज आल्सो 130. तो दोनों से हमेशा आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा. तो आपने लिख लिया 130. ठीक है, अब आपको बाकी का पार्ट कैसे लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 8 5 सा कितना होता है 40, यहां 40 लिख दो, दैट्स इट. सो दिस इज योर आंसर, क्लियर? तो अब इसका ये तो है वर्जन 1, एकदम सिंपल सा है. फिर नेक्स्ट मूव करते हैं अपन वर्जन 2 पे. मान लो आपको 112 into 123 मल्टीप्लाई, ठीक है. अब आप कहोगे सर ये 100 से 12 ज्यादा है और ये 100 से 23 ज्यादा है, ठीक है. क्रॉस में किसी भी एक को ऐड करना है, या तो 112 में 23 या 123 में 12. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. सो 112 प्लस 23 इज 135. फिर मैंने क्या कहा था, इनको मल्टीप्लाई करो. 23 into 10 हो गया 230, 23 into 2 हो गया 46, 276. एक बात यहां पे ध्यान रखो, जब भी यहां पे 3 डिजिट्स आ जाए मल्टीप्लाई करके, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, आपको सिर्फ राइट हैंड साइड से 2 डिजिट रखने, बाकी सब कैरी फॉरवर्ड दे देना. वापस रिपीट करता हूं, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट रखने, बाकी कैरी फॉरवर्ड कर देना. तो आपको सिर्फ 76 रखना है, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. अगर 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सो 135 प्लस 2 कितना हो गया 137, और ये जो आपका 76 है वो एज इट इज कॉपी. सो दिस इज योर आंसर, ठीक है. तो ये था आपका वर्जन 2 जहां पे कैरी फॉरवर्ड आ जाए. नेक्स्ट मूव करते हैं हम वर्जन 3. अब ये तो हमने दोनों नंबर्स कैसे लिए जो 100 के पास में. सपोज अब हम ऐसे नंबर्स लेते हैं जो 200, 300 किसी के भी आसपास. सो फॉर एग्जांपल यू हैव 315 मल्टीप्लाइड बाय 300 लेट्स से 24. अब आप क्या कहोगे, किससे कंपेयर करेंगे सर हम, 300 से. तो 300 से अगर मैं कंपेयर करूंगा, ये 300 से कितना ज्यादा है 15, ये 300 से कितना ज्यादा है 24. फिर से वही काम, क्रॉस में एडिशन कर, 324 में 15 जोड़ो या 315 में 24 जोड़ो. सो 324 प्लस 15 इज 339. 24 इंटू 15 कितना होगा, 24 इंटू 10 इज 240, 24 इंटू 5 इज 120, 240 120 इज 360. मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया कि जैसे ही यहां 3 डिजिट आ जाए 2 रखो, 1 को कैरी फॉरवर्ड करो. पर यहां पर आप क्या कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, 300 से. क्योंकि आपने 300 से कंपेयर किया, पहले इन 3 डिजिट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर यहां पे आपने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, तो मैं कहता कि मैंने यहां पे 100 से कंपेयर किया था, 1 से मल्टीप्लाई कर भी देता तो क्या फर्क पड़ता. सो अगर 200 से कंपेयर कर रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 300 के लिए 3 से, 400 के लिए 4 से, 500 के लिए 5 से, लाइक दैट. सिंपली मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27, 2 9 3 3 जा 9 एंड 2 11 1,
3 3s are 9 and 1 10 1 0 1 7 और 3 क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड दे रहे हैं सो कितना हो जाएगा 1 0 2 0 और लास्ट के दो डिजिट एज इट इज सो 1 0 2 0 6 0 सो दिस इज योर फाइनल आंसर गॉट इट सो ये तीन अलग-अलग ट्रिक्स हैं तीन अलग-अलग वर्जन हैं सिर्फ एक केस के अभी कि जब दोनों नंबर जो है 100 200 300 से बड़े आ जाए है ना गॉट इट सो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगर हमारे दोनों नंबर व्हेन बोथ द नंबर्स आर लेस अगर दोनों नंबर छोटे हो जाए 100 200 300 से तब कैसे डील करना है सो इसको क्लियर करता हूं मैं सो सपोज करो अब आपको मल्टीप्लाई करना है 95 मल्टीप्लाइड बाय 88 दोनों नंबर किसके पास है 100 के पास है ना ये 100 से कितना छोटा है 5 ये 100 से कितना छोटा है 12 100 से छोटा मतलब 100 माइनस 12 इज 18 फिर से वही काम जो हमने पहले किया था फर्स्ट वाले केस में आपने क्रॉस में ऐड किया था यहां पे आप क्रॉस में सबट्रैक्ट कर देंगे सो 88 माइनस 5 इज 83 या आप 95 माइनस 12 भी करोगे तो भी कितना आएगा 83 फिर आपको क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 12 5 से कितना 16 दैट्स इट डन ठीक है अब अगर सपोज करो इसमें इस तरीके से सिचुएशन आ जाए 192 मल्टीप्लाइड बाय 183 अब किससे कंपेयर करेंगे हम 200 से ये 200 से कितना छोटा है 8 ये 200 से कितना छोटा है 17 है ना 183 में से 8 माइनस करो या 192 में से 17 माइनस करो वही काम जो पहले किया था सो 183 माइनस 8 कितना हो जाएगा 175 फिर 17 8s कितना हो जाएगा 136 मैंने आपको कहा था जब भी यहां 3 डिजिट आ जाए दो रखो एक कैरी फॉरवर्ड जाएगा पर फिर से किससे कंपेयर किया आपने 200 से तो इन तीन डिजिट्स को पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से सो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली 175 का डबल कितना हो जाएगा 350 ये 1 आ गया कैरी फॉरवर्ड सो 351 और ये 36 बाकी के पीछे के दो डिजिट एज इट इज क्लियर सो ये ट्रिक थी जब दोनों नंबर 100 200 300 से नीचे हैं तो सिंपल सा अगर बस एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान के रखो कि किससे कंपेयर कर रहे हो 200 300 400 जिससे कंपेयर कर रहे हो वो इन तीन डिजिट से मल्टीप्लाई हो ठीक है सो दीज आर टू केसेस अब ओके सो अब हम प्रोसीड करते हैं केस 3 पे केस 3 में हमारे सामने क्या होने वाला है एक नंबर बड़ा आएगा 100 200 300 से और एक छोटा आएगा फॉर एग्जांपल मुझे 95 को मल्टीप्लाई करना है 108 से किससे दोनों 100 के पास में ये 100 से कितना ज्यादा है सॉरी कितना कम है 5 ये 100 से कितना ज्यादा है 8 फिर से वही काम या तो क्रॉस में 95 प्लस 8 करो या 108 माइनस 5 करो यू विल गेट द सेम रिजल्ट सो 95 प्लस 8 इज 103 108 माइनस 5 इज आल्सो 103 तो आपने लिख दिया 103 अब एक बात ध्यान से देखो यहां पर एक माइनस है एक प्लस है तो मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकता पहले वाले केस में दोनों प्लस थे प्लस इनटू प्लस इज प्लस सेकंड केस में दोनों माइनस थे माइनस इनटू माइनस इज प्लस बट माइनस इनटू प्लस इज माइनस तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है हमेशा ऑलवेज दो जीरो फ्री देने दो जीरो फ्री देने फिर इनको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर लेंगे 8 5 का कितना 40 ये अपन माइनस कर लेंगे 10260 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है अब इसमें अपन सेकंड वर्जन जब दूसरे किसी बड़े बड़े नंबर्स के आसपास हो जाए तो क्या करना है सो सपोज करो 315 को आपको मल्टीप्लाई करना है 292 से अब आप क्या कहोगे सर ये 300 के पास में है ये 300 से 15 ज्यादा है ये 300 से 8 कम है सो फिर से मैं वही कहूंगा या तो इसमें से ये माइनस करो या उसमें वो प्लस करो सो 315 माइनस 8 कितना हो जाएगा 307 मैंने आपको कहा था ये मल्टीप्लाई एक प्लस एक माइनस आ जाए तो हमेशा एंड में दो जीरोस लगा देना अब फिर से क्या हुआ जो पहले दो केसेस में हो रहा था यहां पर 3 आ गया सो क्योंकि आप 300 से कंपेयर कर रहे हो तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे पहले 3 से सो जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 921 ये दो जीरो फॉलो होंगे और ये मल्टी
मल्टीप्लाई करके आपको क्या कर देना है, माइनस 15 × 8 कितना होगा 120। सो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 0, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 1 गया 9, 1, 9, 1, 9, 8। सो पक्का आपको ये तीनों ट्रिक समझ में आ गई। एंड व्हेनेवर नाउ ऑनवर्ड्स यू सी सच कैलकुलेशंस, तो आप इस तरीके से इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो। बस थर्ड केस में क्या ध्यान रखना है, अगर प्लस माइनस आ जाए तो डबल जीरो रखते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे डील करना है आपको। सपोज करो अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, सर 213 मल्टीप्लाइड बाय 642 आ गया, एक 200 के पास है, एक 600 के पास है, अब क्या करें। तो भी बहुत इजी है, क्या करना है आपको, इजीएस्ट काम करना है, किससे कंपेयर कर लो 200 से, ये 200 से कितना ज्यादा है 30, ये 200 से कितना ज्यादा है 442। फिर से वही काम, या तो 213 में 442 जोड़ो या 642 में 13। ऑब्वियसली इजी क्या है, 642 में 13 जोड़ना, जोड़ देते कितना होगा 655। अब यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा काम लगेगा, 442 को 13 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देना है, बहुत इजी है, कर लेते हैं। 13 2 are 26, 2 13 4 are 52 and 2 54, 5 13 4 are 52 and 5 57। सो दिस इज 5746। मैंने क्या कहा था, हमेशा दो डिजिट रखना, बाकी कैरी फॉरवर्ड देंगे। तो आप 46 रखोगे, 57 कैरी फॉरवर्ड दोगे, पर 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 कैरी देने से पहले, क्योंकि आपने 200 से कंपेयर किया है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कर लो मल्टीप्लाई, बहुत इजी है, 5 2 are 10 1 10 11 1 12 13 1। अब ये 57 कैरी फॉरवर्ड आएगा, सो 761367 इसको एज इट इज रखो, और ये वाला जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं ये एज इट इज कॉपी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो कैसा भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए, इन तीन केसेस की हेल्प से यू कैन इजीली सॉल्व। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड यूज सच ट्रिक्स।